इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले स्वतंत्र सेनानी यानी कि मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पिछले 4 साल से हुकूमत की जानिब से यौम टीपू मनाया जा रहा था। बहरहाल कुछ ही घंटे हुए हैं, भाजपा इख्तदार पजीर हुई है, तो येडियुरप्पा जो 2010 में कभी टीपू सुल्तान शहीद की टोपी पहनकर, टीपू सुल्तान शहीद का लिबास पहनकर टीपू शहीद की शान में जब कसीदे पढ़े जाते थे, वही आज येडियुरप्पा आज मुखालिफत करते हुए यौम टीपू पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र टीपू सुल्तान शहीद की जो टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सदर भी मौजूद हैं, वो अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, मुतालबा पेश कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बताइए। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, जैसे ही कर्नाटक में सियासी उलट पलट होकर बीजेपी की हुकूमत आई, या 2 दिन के अंदर उन्होंने टीपू दुश्मनी का सबूत पेश करते हुए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो पिछले 8 साल से जयंती मनाई जा रही थी सरकारी तौर पर, और रैलियां निकाल कर उसे उन्होंने रद्द किया सरकारी आदेश करकर। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपको कर्नाटक का विकास करने के बजाय कम्युनल वायलेंस पैदा करने के लिए और कौम में निफाक पैदा करने के लिए आपने जो है इसका इकदाम उठाया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ आप इनको हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि क्या आपने 2010 में खुद टीपू जयंती नहीं मनाई थी? क्या आपने टीपू सुल्तान जयंती को मनाने का हुक्म नहीं दिया था? आपने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लिबास तन करके क्या आपने टीपू सुल्तान शहीद की तलवार हाथ में लेकर जय टीपू का नारा नहीं दिया था? ऐसे लोगों से पूछता, ऐसी दुगली पॉलिसी वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया, हिंदुस्तान में अपने 20 साल हुकूमत की कारकर्दगी में बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के मंदिर हैं, एक तो दूसरी तरफ नथुराम गोडसे जैसे आतंकवादी जो हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी है, ऐसे आदमी का तो हम जश्न मनाते हैं, उसके पैदाइश पर जश्न मनाते हैं। तो मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आपको टीपू सुल्तान से इतनी नफरत क्यों है? क्या वो मुसलमान थे इसीलिए नफरत तो नहीं है? इसीलिए मजहबी तासुब भी छोड़ें और आप अपनी हुकूमत पर ध्यान दें और कर्नाटक का विकास करने की कोशिश करें। चाहते हैं हुकूमत को आवाज़ देते हैं, मुतालबा करते हैं, आप जो है कदम, आप जो है 10 नवंबर को जो है टीपू सुल्तान जयंती बड़े पहचान पर पैमाने पर मनाने की अनुमति दें, आप भी मनाएं, हम भी मनाएं, सब मिलकर फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया की बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सुन रहे थे कि टीपू सुल्तान शहीद, टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के सदर आरिफ कटगरी साहब, उन्होंने अपना मुतालबा पेश करते हुए यही कहा है कि क्या टीपू सुल्तान सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उनसे इतनी नफरत की जा रही है, जब 2010 से पहले वही टीपू, जय टीपू का आपने नारा लगाया था, उन्होंने कर्नाटक रियासत कर्नाटक के वजीर आला येडियुरप्पा जी से उन्होंने मुखातिब होकर यही कहा कि आपने जो है पहले टीपू सुल्तान जय टीपू का नारा मारा और अब जो है तुम उनसे मुखालफत कर रहे हो, उनसे नफरत कर रहे हो, देश के अंदर ये बदलती तस्वीर देश के लिए खतरा है।